मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन है। मैं रातू प्रखंड बनापड़ी बस्ती से आया हूँ और ज़िला रांची पड़ता है। 3 साल पहले मैं एक्सीडेंट हुआ हूँ और उस समय तो जो इलाज चला उसके बाद फिर बाद में पैसे की वजह से बंद हो गई थी। अभी 1.5 महीनों से रिम्स में एडमिट हूँ और मेरी कागज़ गया है 19 जनवरी को, किसी कारणवश मेरा सामान नहीं आया है, उसके वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी ठीक हुआ है? नहीं, ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, सामान नहीं आने की वजह से। आने वाला है? आने वाला है। हाँ, आपको क्या तकलीफ हुई भाई? नमस्कार सर, मैं गुमला जिला से शंकर कुमार साहू बोल रहा हूँ। मैं सीढ़ी से गिर जाने के क्रम में मेरा दो हाथ टूट गया, इससे मेरा इलाज आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज हो रहा है। जी सर, अभी ठीक लग रहा? अभी ठीक है सर। ऐसा तो नहीं ना कि आयुष्मान है तो ऐसे ही निकाल देते हैं? नहीं सर, अच्छा करते हैं जी। नहीं तो ऐसा ही नहीं कि तो मोदी पैसा देने वाला इसको जल्दी करके निकाल, नहीं सर ऐसा नहीं करते ना। नहीं वही सर, पूरी केयर करते हैं ना जी सर। हाँ। जब भी जाते केयर होता है। थैंक यू सर। देखिए, पहला, अगर कोई भी व्यसन है, बीड़ी तमाकू ऐसा, उसको छोड़ देंगे? कोई भी ऐसी आदत है जो आपके शरीर को नुकसान करे, तो मैंने अगर आपके लिए इतना किया तो आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे? दूसरा, तकलीफ पड़े तो भी बेटी को जरूर पढ़ाइए। लेकिन माँ क्यों नहीं पढ़ाती? वो घर में काम करेगी, मेहमान आएगी तो पकाएगी खाना, माँ मजदूरी पे जाती है तो बेटी को कहती है चल छोटे भाई को तुम खिलाओ, मैं मजदूरी करने चली जाती हूँ। तीसरी मेरी मांग है आपसे कि आप जहाँ भी हो सके स्वच्छता में कुछ न कुछ कीजिए। करेंगे? साफ सफाई, अपना घर का कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, मोहल्ले में साफ रखेंगे। कोई कूड़ा कचरा फेंकता है तो उसको करेंगे भाई साफ करो, ऐसा मत करो। ये करोगे तो हम भी बीमार नहीं होंगे और भी बीमार नहीं होंगे।